अब दिल्ली की गर्मी की बात कर लेते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। सुबह करीब 11 बजे 15 जेआरजी में ये बैठक होनी है। बैठक में चुनाव संचालन कमेटी गठन और राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर चर्चा होगी। और बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और चारों सह प्रभारी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी राजस्थान की रणनीति के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक कर रही है। और इसमें जो स्थानीय कांग्रेस यानी राजस्थान कांग्रेस के जो कोर मेंबर्स हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, वो सभी बैठक में शामिल रहने वाले हैं, जिसमें प्रमुख नाम है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का। और राहुल गांधी की मौजूदगी में यह बैठक होनी है, जहां चुनाव संचालन कमेटी गठन और राहुल गांधी के प्रदेश दौरों को लेकर चर्चा होनी है। तो इससे पहले भी राहुल गांधी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, कई जिलों में जा चुके हैं। अब इस बीच आगे उनके कार्यक्रम को लेकर, उनकी यात्रा को लेकर, उनकी रैली को लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्लानिंग रहती है, ये आज इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जानी है। इसके अलावा चुनाव संचालन कमेटी का गठन होना है, इसमें किन किन चेहरों को तरजीह दी जा रही है, ये भी हम आपको कुछ देर में अपडेट करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में आज बड़ी बैठक हो रही है। इस बड़ी बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो जो प्रदेश कांग्रेस के जो प्रमुख चेहरे हैं, वो दिल्ली में फिलहाल हैं और इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से ये बैठक होनी है, अहम बैठक है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनावी रण में पसीना बहा रही है, उसको लेकर मंथन होना है और क्या कुछ हो सकता है। राहुल गांधी की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में और कितनी सभाएं उनकी हो, ये भी आज तय होगा। इसके अलावा चुनाव संचालन कमेटी में कौन कौन से चेहरे हों, ये भी तय होगा। तो आज की ये बैठक बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर तय कर देने वाली है। और जाहिर है कि ये खबर हम आपको विस्तार से भी पहुंचाने वाले हैं, जब इस बैठक की शुरुआत होगी या बैठक की सबसे बड़ी बातें और जो सबसे पहले हम तक पहुंचने वाली है, वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच जानना ये जरूरी है कि इसके अलावा अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। खुले मंच से राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं तो राजस्थान, मुझे लगा कि हम लोग उसी दिन जीत गए जिस दिन बाइक पर सवार हुए थे सचिन पायलट और पीछे में बैठे थे अशोक गहलोत। वो तस्वीर का जिक्र किए तो जाहिर सी बात है कि जो राजस्थान कांग्रेस की मौजूदा वक्त में रणनीति है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी गदगद हैं। और इस बीच हमारे सहयोगी दिनेश टांगी जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले तो अपडेट कीजिए कि हम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि चुनाव संचालन कमेटी के गठन के साथ साथ राहुल गांधी का दौरा क्या हो, कितने दौरा और करवाए जाए यहाँ पे, ये सब कुछ तय होना है। लेकिन इसके अलावा भी कोई अगर और जानकारी अब तक पहुंची हो तो वो भी बताइए। सबसे अहम जो है इस बैठक के बाद ये हो सकता है कि 7 चुनाव संचालन कमेटियों का गठन होना है, क्योंकि बिना कमेटियों के गठन के बंद कमरों की जो रणनीति है उसमें बनाने में काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही जगह 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कमेटियों का गठन हो चुका है। लेकिन राजस्थान में कह सकते हैं कि नेताओं की खींचतान के चलते ये कमेटियां जो है नहीं बन पाई। जहां तक बात राहुल गांधी के दौरे की है, तो 9 अक्टूबर को बीकानेर में उनका दौरा लगभग फाइनल हो चुका है। अब राहुल गांधी किस तरह दौरे करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, कितने दिन के उनके दौरे हो, एक पूरा खाका इन दोनों अहम बिंदुओं पर बिल्कुल जो है। लेकिन एक अहम सवाल दिनेश यहाँ पर, क्योंकि 2 दिन के अमेठी दौरे पर है राहुल गांधी, तो ऐसे में क्या इस बैठक में वो मौजूद रह पाएंगे? जी देखिए, राहुल गांधी का अभी फाइनल नहीं हुआ है, उनके वो अमेठी दौरे पर है। हमारी पार्टी नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि राहुल गांधी बैठक में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जो है बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे, किस तरह चर्चा की जाएगी, किस तरह फिर कमेटियों का गठन होता है और किस तरह राहुल गांधी के दौरे होते, ये लबोलुआब यहाँ पर जो है आज चर्चा हो। दिनेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर राहुल गांधी रहेंगे नहीं तो चुनाव संचालन कमेटी का जो गठन है होना है, वो तो सब कुछ उन्हीं के हिसाब से तय होगा, तो फिर लगता है कि आगे भी मामला चला जाए और आज भी कुछ तय नहीं हो पाए चुनाव संचालन कमेटी के को लेकर। होते हैं वो राहुल गांधी या जो हाईकमान होते हैं अध्यक्ष, उनका नेतृत्व करते हैं, तो अविनाश पांडे प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके कह सकते हैं कि पूरे गाइडलाइंस में, दिशा निर्देश में आज चर्चा होगी। और एक दो नामों पर बताया जा रहा है कि आपत्ति है नेताओं को, जातिगत और सियासी समीकरण
साधा जाए, किसको चेयरपर्सन बनाया जाए, किसको सदस्य बनाया जाए और सबको किस तरह खुश रखा जाए, तो उसको लेकर साथ ही घोषणा पत्र जो है तैयार होना है इस बार चुनाव से काफी पहले, तो कई चीजों पर एक कह सकते हैं कि फाइनल डिस्कशन अब हो जाएगी और फील्ड में फिर पूरी तरह से कांग्रेस नजर आएगी। जी, तो कंसल्टेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ अजीत जी जुड़ रहे हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो ये बैठक हो रही है और इस बैठक पे ही हम फोकस कर रहे हैं, दो प्रमुख बातें हैं, राहुल गांधी का दौरा और साथ ही साथ संचालन कमेटी यानी चुनाव संचालन कमेटी का गठन, तो क्या माना जाए कि आज सब कुछ तय हो जाना है और तय होगा तो पार्टी जो अंतर कलह से जूझ रही है क्या उसको भी बैलेंस किया जाएगा संचालन कमेटी के जरिए? जी, आज की जो बैठक है वो बैठक इसलिए बुलाई गई है कि एक तो राहुल गांधी की जो दौरे बनने हैं, जो जानकारी मिल रही है उसमें एक 8 तारीख को गंगानगर में करने की सोच रहे हैं ये लोग, एक 9 तारीख को बीकानेर में, तो उसको लेकर एक तो ये फैसला करेंगे। दूसरा जो अहम फैसला है करना है इन लोगों को, एक तो अभी तक राजस्थान को लेकर कोई चुनावी अभियान समिति नहीं बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, प्रदेश चुनाव समिति नहीं बनी है, ये महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको आज ये लोग मेरे ख्याल से अंतिम रूप दे देंगे और उसके बाद वो राहुल गांधी जी के पास जाके उसको वो कर लेंगे। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि जैसे और राज्यों में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में शायद कार्यकारी अध्यक्ष अब नहीं बनाए जाएंगे, तो उसके पीछे मंशा ये थी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कि जातिगत समीकरणों को ठीक किया जाए, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि वो अब राजस्थान में देर हो गई है, नहीं बनाएंगे। तो आज की जो अहम बैठक है कि जितनी समितियां शेष रह गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, चुनाव अभियान समिति, प्रदेश चुनाव कमेटी, ये सब फैसले इस पे आज हो जाएंगे। हाँ, और उसको करने के बाद जी, एक सवाल यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, चूंकि राहुल गांधी का जो पिछला दो दौरा रहा है उसमें अगर पिछले दौरे की हम बात करें तो उसमें मौजूदा जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है राजस्थान में उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी गदगद हैं और वो खुले मंच से ये तक कह चुके हैं कि हम तो राजस्थान अब लग रहा है कि जीत चुके हैं, तो क्या माना जाए कि आज जो कुछ बैठक से निकलने वाला है उसमें बहुत कुछ फेरबदल की संभावना नहीं है, इसकी गुंजाइश ना के बराबर? नहीं नहीं, फेरबदल तो देखिए चुनाव एकदम से कह सकते हैं कि सिर पे आ गया है, अब तो कोई फेरबदल विशेष नहीं होगा। जो व्यवस्था बनी है प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और जो देख रहे हैं वो देखते रहेंगे, विधायक दल नेता डूडी जो बने हैं वो बने रहेंगे, अब उनमें तो कोई चेंज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब इसमें केवल इतना देखने वाली बात है कि ये चुनाव अभियान समिति जो एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है। अजीत जी, क्या जिम्मेदारियों को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है? हालांकि नेतृत्व किसके तहत यहाँ पर लड़ा जाएगा ये तो अभी तय नहीं किया गया है, क्या जिम्मेदारी यहाँ पर अहम दे दी जाएगी आज? हाँ, इसमें देखिए चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी किसको दी जाती है वो मेन होगा। अब ये जैसे सुनने में ये आ रहा है कि ब्राह्मण नेता के रूप में इनके पास सीपी जोशी हैं और शायद उनको ये जिम्मेदारी अभियान समिति की दे दें, और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जो प्रदेश चुनाव समिति थी उसमें जो अध्यक्ष होता है वही इसका नेतृत्व करता है, लेकिन इसमें कुछ लोग जोड़ दिए जाते हैं। तो ये कमेटी फिर जो एक शुरुआती जो दौर होता है जिला से जो नाम आते हैं उनको छांट छांट करके देखना होगा जब ये बैठक होगी तो किस तरह का जो फैसला यहाँ पर लिया जाता है, किस तरह की रणनीति बनाई जाती है।